भाइयों हम गए थे मरासी बीच पे और खबरदार, अगर कुत्ते खानी बताई गई तो कुत्ते खानी। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो खवातीनो हजरात, ये ईद के बाद फौरन पहला व्लॉग है और इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 व्लॉग बनाए, तो ये इस महीने मैंने सबसे ज़्यादा व्लॉग बनाए। ये शायद रमज़ान की बरकत थी। तो आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये प्रोग्राम हम रमज़ान से पहले का बना रहे थे, लेकिन रमज़ान से पहले का प्रोग्राम बना नहीं है, तो आज फाइनली प्रोग्राम बन चुका है। तो आज का प्रोग्राम ये है कि हम जा रहे हैं बीच, वो भी अल मरासी बीच। तो लेट्स गो। एक मिनट, मेरे साथ मौजूद हैं दो लौंडे और इनको आप जानते हो, अदनान सलामकुम। और वो इश्तियारी अब्बास। वेल डन, गुड नेम है। तो भाई लेट्स गो। रात हमारा यहाँ से सफर होता है शुरू। हमने जाना था 3:50 पे, लेकिन हम निकले 5 बजे, क्योंकि हमारे ये वाले भाई साहब ने कहा था कि 3:50 पे होती है गर्मी और हम 5 बजे अगर निकलेंगे तो 5:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन इस ट्रैफिक में लग रहा है कि हम 5:30 बजे नहीं पहुँचेंगे। तो वैसे जब आप परदेश में रहते हैं ना, तो आपको ऐसी चीज़ों की बड़ी कदर होती है। ये तुलसी लेकर आए हैं, अदनान के अब्बू गए थे पाकिस्तान तो वापसी पे ये लेकर आए हैं गिफ्ट। मज़े हो गए हैं भाई। तो ख़वातीन हज़रात, मुझे इस ट्रैफिक में खड़े खड़े ये याद आया कि आज मैंने ग्लासेस भी पहनी हुई। तो ये ग्लासेस तो सिर्फ 150 रुपये की हैं, लेकिन काम पूरा 1,500 वाला कर लिया। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ का टाइम है 6:30 का, तो हमें लगा कि हम आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे और 1 घंटा कम से कम नहा लेंगे। लेकिन हम इस 1 घंटे की ट्रैफिक जैम के बाद तो हम मरासी बीच पहुँचे, लेकिन हमें वहाँ से पता चला कि आपके पास सिर्फ आधा घंटा है नहाने के लिए। तो हमारे दिल नाराज हो गए और पूरे महीने का प्रोग्राम ख़राब हो गया। मैंने तो कहा कि वापस चलते हैं, लेकिन मेरे इस भाई साहब ने कहा कि भाई आज आए हैं तो नहा के जाएंगे। तो हवातीनो हजरात, हमारे इस भाई साहब ने कहा कि मैं आपको उस जगह पे ले चलता हूँ जो कभी बंद नहीं होती। तो हवातीनो हजरात, हमें ये वाले भाई साहब वहाँ पे लेकर जा रहे हैं जो जगह कभी बंद नहीं होती। भाइयों हम गए थे मरासी बीच पे और खबरदार, अगर कुत्ते खानी बताई गई तो कुत्ते खानी का क्या मतलब है? अबे जो हमारे साथ हुआ है उसको कुत्ते खानी कहते हैं यार। तो हम अभी एसरी बीच पे आए हैं, लेकिन मेरा अभी कोई प्रोग्राम नहीं है नहाने का। वो बंदे रेडी हो चुके हैं नहाने के लिए। तीनों हजरात, मैं आपको बताता चलूं कि ये असली बीच है और मैं सबसे पहले किसी भी बीच पे नहाया हूँ तो इसी बीच पे नहाया था बिफोर 2 ईयर्स। तो ये प्रोग्राम था पहले, तो उसके बाद आज हमारा प्रोग्राम बना था कि हम
अलमरासी बीच पे जाएंगे, और क्योंकि वो नया ओपन हुआ है हम वहाँ पे देख भी लेते और नहा भी लेते। और आज का प्रोग्राम ये हुआ कि अभी अगर यहाँ पे अभी तकरीबन 10-15 मिनट अभी नहा सकते हैं, तो क्योंकि सूरज ग्रूप हो चुका है और बाद में उसमें कुछ मैंने नहीं रहते नहाने के, तो अभी वो चलेंगे नहाने क्योंकि वो अब्बास आया था पहली दफ़ा, उसको वो अंदर से वो हो रहा था, लड्डू फूट रहे थे कि नहाने के लिए बीच पे जाना है। मैं इसलिए नहीं गया नहाने के लिए क्योंकि मुझे तो पता था यार कि अभी अगर मैं वहाँ पे जाता तो 10 मिनट भी नहा लेते तो बाल ख़राब हो जाते, तो अगर बाल ही ख़राब करने हैं तो फिर कम अज़ कम यार घंटा दो तो बनता है यार नहाने के लिए। तो आज हमारा प्रोग्राम हो गया कैंसिल, मतलब मेरा प्रोग्राम हो गया कैंसिल, वो नहा रहे हैं वहाँ पे। तेज़ी से गुजरते हुए वक्त को अगर हम रोक के ये देखें, खुदा ने दुनिया में जो चीज़ बनाई उसी में उसी की खूबसूरती है। जैसे बहरीन एक जजीरा है और इस जजीरे के इर्द गिर्द समुंदर, और समुंदर की खूबसूरती ये जजीरा है और जजीरे की खूबसूरती ये सब समुंदर है। तो ख़वातीनो हज़रात, हम आपसे लेंगे यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, हमने इनको गैरत दिला दिया और ये फिर जा रहे हैं समुंदर में, यानी कि बात है आपके भाई में, मतलब ऐसी थोड़ी बात है। क्या कह रहे हो?